जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दर्द से दूर होने के उपाय। सर्दियों का दौर चल रहा है, इसी कारण जोड़ों में दर्द की तकलीफ बढ़ जाती है। गठिया भी एक बड़ी समस्या है, गठिया के कारण भी जोड़ों में काफी दर्द होता है और सूजन भी आ जाती है, नसें भी सिकुड़ने लगती हैं। तो आइए जानते हैं जोड़ों से दर्द दूर होने के उपाय, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अक्सर लोगों को घुटनों और जोड़ों का दर्द होने लगता है, जो गठिया का लक्षण भी हो सकता है। गठिया की वजह यूरिक एसिड को माना जाता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर इसके कण घुटनों और अन्य जोड़ों में जमा होने लगते हैं, जिस वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। कई बार ये दर्द इतना असहनीय होता है कि व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है। गठिया की बीमारी असहनीय होती है। गठिया की बीमारी हो तो रात के समय जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और सुबह अकड़न होती है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो सही समय पर इसकी जांच करवाना जरूरी है। अगर ये गठिया का रोग है तो तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो इससे जोड़ों को नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं जोड़ों के दर्द दूर करने के घरेलू कुछ उपाय। एक महीने तक लगातार रात को 15 से 20 गिरी अखरोट की भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। 2 महीने लगातार इस उपाय को करने से गठिया का रोग जड़ से ठीक हो जाता है। 10 कलियां लहसुन की 100 ग्राम पानी या दूध में मिलाकर पीने से दर्द में जल्दी आराम मिलता है। बथुआ के ताज़ा पत्तों का रस 1/2 कप सुबह शाम खाली पेट पीने से गठिया ठीक हो जाता है। इसके सेवन से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाए पिए नहीं। गठिया के उपचार में जामुन काफी उपयोगी है। जामुन के पेड़ छाल को खूब उबालकर इसका लेप घुटनों पर लगाने से गठिया में राहत मिलती है। अमरूद की 4 से 5 नई कोमल पत्तियों को पीस लें और उसमें थोड़ा काला नमक मिलाकर खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। तो ये थे कुछ उपाय जोड़ों के दर्द को दूर करने के। दिन की शुरुआत हल्के फुल्के योग से करें। सुबह के समय सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने से जोड़ों और घुटने के दर्द से छुटकारा मिलता है। तो देखा आपने कितने आसान और घरेलू उपाय आपको बताए हैं। तो जैसे कि आपने जाना, हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जोड़ों के दर्द से दूर होने के लिए और आपकी सर्दियां अच्छी बिताने के लिए। तो हमारे उपायों का जरूर इस्तेमाल करें। देखते रहिए हेल्थ केयर।